तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल JD कंप्यूटर में। दोस्तों जैसे कि आपको पता है, हम जब भी आते हैं न्यू जानकारी के साथ आते हैं, तो आज हम थोड़ा जुड़िए एक और न्यू जानकारी के साथ, एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। उससे पहले दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कर लीजिए बेल आइकन को प्रेस, ताकि किसी तरीके से हम जो भी नया वीडियो बनाए वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, तो बात करेंगे दोस्तों न्यू जानकारी, न्यू अपडेट जो कि दोस्तों यहाँ पर आपको मिलेगा किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मध्य प्रदेश की ओर से। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक आपको एक नोटिफिकेशन चलता हुआ दिखाई दे रहा होगा, दो तीन दिन से यहाँ पर अपडेटेड है। तो यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट ने कहा है कि आप भी यहाँ पर इससे संबंधित जानकारी दीजिए, वीडियो बनाइए। तो चलिए दोस्तों, देखे चलते हैं हम आपको इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे जो आपको यहाँ पर जारी हुआ है और सारी चीज हम आपको बताएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए, चैनल बनाए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे तो ये नोटिफिकेशन जो अपडेट हुआ है वो है 24 अगस्त 2022 का, यही अभी का ही अपडेट है, तीन चार दिन पहले का। राज्य शासन द्वारा किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के अधीनस्थ आत्मा योजना अंतर्गत, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ये योजना के अंतर्गत संविदा नियुक्ति होती है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो भी योजनाएं आती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ही होती हैं। तो संविदा नियुक्ति हेतु सृजित पदों, जिसमें दोस्तों यहाँ पर ब्लॉक टेक्नोलॉजी मैनेजर, इसके बाद 313 पोस्टें रहेंगी ब्लॉक टेक्निकल मैनेजर की, असिस्टेंट टेक्निकल मैनेजर की दोस्तों यहाँ पर रहेंगी 939 पोस्टें रहेंगी यहाँ पर सभी ब्लॉक के समथिंग। कंप्यूटर प्रोग्रामर की 52 पोस्टें रहेंगी, लेखापाल सह लिपिक की दोस्तों यहाँ पर 52 पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ब्लॉक टेक्नोलॉजी मैनेजर के 154 पद हैं, असिस्टेंट टेक्नोलॉजी मैनेजर के 651 पद हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर के 22 पद एवं लेखापाल सह लिपिक के 17 रिक्त पदों पर एमपी ऑनलाइन के माध्यम से ऑनलाइन चयन परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। उक्त पदों पर चयन हेतु सामान्य दिशा निर्देश, चयन प्रक्रिया, आवश्यक अर्हताएं, वेतन तथा अन्य सभी चीजें आपको यहाँ पर नीचे देखने को मिलेगी। तो चले दोस्तों, सबसे पहले हम वही चीज देख लेते हैं कि हमारा रहेगा कैसे। बात करें दोस्तों यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सिलेक्शन प्रोसेस में दोस्तों यहाँ पर आपका ऑनलाइन पेपर होगा, ऑनलाइन परीक्षा हेतु वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र एमपी ऑनलाइन द्वारा तैयार किए जाएंगे। ऑनलाइन प्रक्रिया की बात कर लेते हैं तो ऑनलाइन परीक्षा एमपी ऑनलाइन के माध्यम से आयोजित की जाएगी। अर्थकारी एक आवेदक एक से अधिक पद के लिए आवेदन कर सकता है, इस हेतु उन्हें एमपी ऑनलाइन की वेबसाइट www.mponline.gov.in पर पृथक से आवेदन पत्र भरना होगा। प्रत्येक आवेदन के लिए ₹850 फीस आपकी रहेगी एमपी ऑनलाइन के उसके माध्यम से, या फिर आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से इसका पेमेंट कर सकते हैं। अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा में प्राप्त अंक परीक्षा के तुरंत पश्चात कंप्यूटर पर स्क्रीन पर देखे जा सकेंगे, लेकिन उक्त अंक का प्रिंट आउट अभ्यर्थी को उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। मतलब जो आपका रिजल्ट आता है उसी प्रकार से आपका रिजल्ट आएगा। इसके बाद दोस्तों यहां पर आपको अंतिम वरीयता चयन सूची की बात कर लेते हैं, तो किस तरीके से आपका सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर अंतिम वरीयता सूची बनाई जाएगी, जिसका प्रकाशन संचालनालय की वेबसाइट पर, यहाँ पर ध्यान रखें एमपी ऑनलाइन पर नहीं आएगा, www.mpkrishi.mp.gov पर आपको एमपी ऑनलाइन के माध्यम से भी उपलब्ध करा दिया जाएगा। जिसके बाद दोस्तों यहाँ पर जैसे अपनाते हुए विभिन्न विभाग द्वारा विभिन्न पदों के लिए प्रत्येक वर्ग के लिए रिक्त पदों की 150% सीमा तक मेरिट के क्रम में शामिल अभ्यर्थियों को दस्तावेजों का सत्यापन अपर संचालन आत्मा संचालन किसान कल्याण तथा कृषि विकास की अध्यक्षता में गठित जारी वृत्ता दी जाएगी। जो आपको डॉक्यूमेंट है वो आपको यहाँ पर ओरिजिनल ही यहाँ पर रहेंगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही यहाँ पर आपके वेरिफिकेशन होंगे। प्रतीक्षा सूची भी दोस्तों यहाँ पर जो आपकी वेटिंग लिस्ट रहेगी वो 50% अंक वाले कैंडिडेट की 150 तक यहाँ पर रहेगी, जो कि यहाँ पर आपकी एक साल के लिए वैध रहेगी वेटिंग। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे बाकी में, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन हम देख लेते हैं, पोस्टों का विवरण देख लेते हैं कैटेगरीज वाइज। 154, 22 और 17 पोस्टों के लिए यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से दिया गया है, जिसमें दोस्तों यहाँ पर ब्लॉक टेक्नोलॉजी मैनेजर की 154 पोस्ट है। कैटेगरीज वाइज जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी आप यहाँ पर मिला सकते हैं। असिस्टेंट टेक्नोलॉजी मैनेजर के लिए 651 पोस्ट है, जिसमें कैटेगरीज वाइज यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर की 22 पोस्ट है, जिसमें आप कैटेगरीज वाइज इनको भी आप यहां पर देख सकते हैं। लेखापाल पहले पिक की आपको 17 पोस्ट है, जिसमें आपको यहां पर कुछ इस तरीके से आप इसको चेकआउट करेंगे। इसमें दोस्तों यहां पर जरा से नीचे आएंगे तो अब बात करते हैं यहां पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की।
तो ब्लॉक टेक्नोलॉजी मैनेजर के लिए 30,000 रुपये प्रति माह रहेगा, एक मुश्त रकम आपको दी जाएगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बात करते हैं तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से, मान्यता प्राप्त संस्था से, विद्यालय विश्वविद्यालय से, कृषि उद्यानिकी कृषि अभियांत्रिकी में स्नातकोत्तर उपाधि और कंप्यूटर दक्षता, मतलब दोस्तों यहाँ पर आपके पास एमएससी एग्रीकल्चर, एमटेक एग्रीकल्चर या फिर उद्यानिकी से आपके पास होना चाहिए, पीजी की डिग्री होना आपको यहाँ पर जरूरी है ब्लॉक टेक्नोलॉजी मैनेजर के लिए। वांछनीय योग्यता में दोस्तों यहाँ पर कृषि में मैदानी कार्यों का 2 वर्ष का अनुभव रहेगा, शासकीय व मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रवरित अर्धशासी संस्था के अनुसार यहाँ पर आपका रहेगा। ध्यान रखें दोस्तों यहाँ पर जो आपका मान्य है सेमी गवर्नमेंट गवर्नमेंट से ही आपका होना चाहिए। मेरिट का चयन कैसे होगा, ऑनलाइन परीक्षा में 90 अंक तथा वांछनीय अनुभव के अधिकतम 10 अंक, कुल इस तरीके से 100 अंकों की मेरिट बनाई जाएगी। आयु के समान होने पर जो स्नातकोत्तर उपाधि में अधिक अंक प्राप्त करेगा उसको दिया जाएगा। असिस्टेंट टेक्नोलॉजी मैनेजर की बात करें तो 25,000 रुपये प्रति माह एक मुश्त रकम दी जाएगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपके पास 4 वर्षीय बी या बी टेक या बी एस सी एग्रीकल्चर होना अनिवार्य रहेगा, तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन के लिए आपको 100 अंकों के मेरिट के अनुसार ही रहेगा। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अलावा एक्स्ट्रा आपको कोई भी बेनिफिट या नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आपसे एक्सपीरियंस भी नहीं मांगा गया है। कंप्यूटर ऑपरेटर की बात करें तो 16,000 रुपये प्रति माह आपको एक मुश्त रकम दी जाएगी, जिसमें दोस्तों यहाँ पर आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ ही डीसीए या पीजीडीसीए होना चाहिए, उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर सीबीसीटी तथा पास आउट होना चाहिए, बीसीए एमसीए के साथ सीबीसीटी यदि आपके पास होना जरूरी रहेगा। यदि आपके पास पीजीडीसीए डीसीए नहीं है तो ग्रेजुएशन में बीसीए एमसीए है तो, लेकिन सीबीसीटी आपका अनिवार्य रहेगा। मेरिट सूची 100 अंकों के अनुसार ही किया जाएगा, जिसमें दोस्तों यहाँ पर एक से उपाधि में अंक रहेंगे तो यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी आयु वाली के लिए। लेखापाल सहलिपिक की बात करें तो 22,500 रुपये वेतनमान रहेगा, जिसमें दोस्तों यहाँ पर टैली सॉफ्टवेयर के साथ साथ आपके पास बीकॉम की उपाधि हो, टैली आपको आना चाहिए, प्लस लेखा संबंधी कार्य का अनुभव होना 3 वर्ष का अनिवार्य रहेगा, वांछनीय में रहेगा, 100% के अंकों के साथ रहेगा। चयन का निर्देश देख लीजिए, यहाँ पर आपको चयन से संबंधित जानकारी दी गई है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 850 रुपये आपका फीस लगेगा, जिसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको फॉर्म भरने से संबंधित भी जानकारी दी गई है। और नीचे आएंगे जरा तो दोस्तों यहाँ पर आपको रिलैक्सेशन से संबंधित दिए गए, आरक्षण से संबंधित दिया गया है, तो वो भी आप यहाँ पर चेक करेंगे। मूल्यवास प्रमाण पत्र, ये आपको सारी चीजें लगेंगी, जिसमें दोस्तों यहाँ पर आपको बेनिफिट मिलेगा आपके कैटेगरी का। चयन की प्रक्रिया दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले आपका पेपर होगा, पेपर के बाद रहेगा आपका यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस आपके मेरिट के अनुसार। एग्जाम सेंटर की बात कर लेते हैं तो जिसमें आपका भोपाल है, जबलपुर है, इंदौर है, ग्वालियर, सतना, सागर एवं उज्जैन यहाँ पर आपके एग्जाम सेंटर रहेंगे। एमपी ऑनलाइन के माध्यम से आपका एडमिट कार्ड जनरेट हो जाएगा, जो आप फॉर्म भरेंगे उसके माध्यम से ही आएगा। जिसमें दोस्तों यहाँ पर जरा से आप नीचे आएंगे, प्रतीक्षा सूची में 50% अंक जिनके रहेंगे उनको यहाँ पर दिया जाएगा। संविदा की नियुक्ति की ये शर्तें हैं, निहर्ताएं हैं, वो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसको भी आप चेकआउट करना चाहें तो इसको देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगी, वहां से भी ये दोस्तों यहाँ पर आपको कैटेगरीज वाइज आपको पोस्टों का विवरण दिया गया है, जिसमें दोस्तों यहाँ पर आप इसको चेकआउट करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर सम्मिलित चयन सूची यदि आपका होता है, सिलेक्शन होता है, तो जिसमें दोस्तों आपको चेकलिस्ट में डॉक्यूमेंट रहेगा, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, अनिवार्य वांछनीय योग्यता जिसमें आपने ग्रेजुएशन हो, बीकॉम हो, बीई या बीटेक या बीएससी एग्रीकल्चर या एमएससी एग्रीकल्चर से हो, वांछनीय अनुभव प्रमाण पत्र, मध्य प्रदेश का मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र जो कि यहाँ पर एसडीओ या एसडीएम से बना हुआ हो, EWS हो, यदि आप फिजिकल हैंडीक्राफ्ट है तो फिजिकल हैंडीक्राफ्ट का प्रमाण पत्र हो, यदि आप मैरिड है तो विवाह प्रमाण पत्र, जीवित संतानों का प्रमाण पत्र, भूत भूषण हो या बाकी अन्य रहेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जरा से नीचे तो संविदा पर आपकी भर्ती रहेगी, उसका क्या क्या रहेगा वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसको आप यहाँ पर चाहें तो रीड आउट कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर आपको जरा से नीचे आएंगे तो आपको ये फॉर्म भर के जमा करना पड़ेगा, जिसमें दोस्तों यहाँ पर सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन आत्मा योजना के अंतर्गत आपका ये भर्ती कराएगा, तो ये भी आप जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तब आपको यहाँ पर लगा के देना है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपके मन में कोई डाउट होता है तो दोस्तों आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे यहाँ पर इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं @JDComputer, यहाँ भी मैं गवर्नमेंट जॉब संबंधित, डेली करंट अफेयर संबंधित, डेली न्यूज संबंधित सभी प्रकार की जानकारी दोस्तों यहाँ भी अपडेटेड करता रहता हूँ। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही, जय हिंद।